आज का टॉपिक है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पार्ट फर्स्ट। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन आज होगी, फिर बाकी आगे टॉपिक जैसे जैसे आएगी उसमें करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स चैप्टर के अंतर्गत है। कंटेंट्स जो आज के डिस्कस किए जाएंगे वो पॉलीमर्स के बारे में, पहला इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स इस दृष्टिकोण से होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। आई एम डॉक्टर मदन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSG गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। तो जो हमारा टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे अस्तित्व तथा हमारी संस्कृति के लिए महाआण्विक पदार्थ मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस मूलभूत महत्व के हैं। बड़े अणु आकार के इन पदार्थों में कुछ इस प्रकार के गुण आ जाते हैं जो सामान्य आण्विक मॉलिकुलर पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं। उच्च विस्कोसिता, अर्धपारगम्य झिल्ली में से निकल सकने में असमर्थता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से निकल सकने में असमर्थता, प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी आदि बहुत से ऐसे गुण हैं जो इन पदार्थों को सामान्य छोटे अणु वाले पदार्थों से भिन्न श्रेणी में रखते हैं। मानव शरीर सभी जंतु तथा वनस्पति ऊतक टिश्यूज अधिकांश हमारे इमारती सामान बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोटीन लकड़ी ऊन रुई सिलिका तथा फेल्डस्पार जैसे खनिज तथा पोर्सिलेन शीशा वस्त्र कागज रबर प्लास्टिक इत्यादि औद्योगिक उत्पाद तथा अन्य दैनिक जीवन में काम में आने वाले कितने ही ऐसे पदार्थ हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। यदि संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि बृहद अणुओं में बंध दूरी तथा बंध लगभग वही पाए जाते हैं जो सामान्य अणुओं में होते हैं। इन बृहद अणुओं की संरचना किसी एक इकाई की पुनरावृत्ति से बनी मानी जा सकती है। इस प्रकार के अणु बहुलक पॉलीमर यूनानी भाषा में पॉली का मतलब बहुत से तथा मेरोज का मतलब भाग या इकाई कहलाते हैं। अतः बहुलक ये पदार्थ कहे जा सकते हैं जिनकी संरचनाएँ संयोजकता बंधयुक्त सरलतर संरचनात्मक इकाइयों स्ट्रक्चरल यूनिट्स की पुनरावृत्ति से बनी मानी जा सकती है। बहुलक वे पदार्थ कहे जा सकते हैं जिनकी संरचनाएँ संयोजकता बंधयुक्त सरलतर संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनी मानी जा सकती है। ये हो गया बहुलक क्या होता है। बहुलक पॉलीमर यूनानी भाषा में पॉली का मतलब बहुत से तथा मेरोज का मतलब भाग या इकाई कहलाते हैं। अतः बहुलक वे पदार्थ कहे जा सकते हैं जिनकी संरचनाएँ संयोजकता बंधयुक्त सरलतर संरचनात्मक इकाइयों स्ट्रक्चर यूनिट्स की पुनरावृत्ति से बनी मानी जा सकती है। ऐसी संरचनात्मक इकाइयों की संख्या यदि कम होती है तो पदार्थ के लिए स्वल्पलक और ओलिगोमर पद काम में लेते हैं। यदि संरचनात्मक इकाइयों की संख्या यदि कम होती है तो पदार्थ के लिए स्वल्पलक ओलिगोमर पद काम में लेते हैं। संरचनात्मक इकाइयों की संख्या को बहुलक की मात्रा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या स्वल्पलक की मात्रा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वे अणु जिनमें वह मात्रा पुनरावृत्ति वाले होने वाली इकाइयों की संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 होती है क्रमशः एकलक मोनोमर द्विलक डाइमर त्रिलक ट्राइमर चतुर्लक टेट्रामर तथा पंचलक पेंटामर कहलाते हैं। बहुलकों की संरचना के रीढ़ बैकबोन अर्थात मुख्य भाग का निर्माण करने वाली मूल इकाई की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार की श्रेणी में बांटा जा सकता है। मतलब क्या है, बहुलकों की संरचना के रीढ़ बैकबोन अर्थात मुख्य भाग का निर्माण करने वाली मूल इकाई की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार की श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बनिक बहुलक, दूसरा है अकार्बनिक बहुलक। तो पहला डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स या कार्बनिक बहुलक क्या होते हैं। ये वे बहुलक होते हैं जिनकी रीढ़ मुख्यतः सी परमाणु से बनी होती है। कार्बन में श्रृंखलीकरण की अद्भुत प्रवृत्ति पाई जाने के कारण अनंत श्रृंखला का निर्माण भी संभव हो जाता है। कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले कुछ अति सामान्य तत्व जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी रीढ़ में पाए जाते हैं। इन बहुलकों का विस्तार से अध्ययन आगे दूसरे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का चीज़ है इसलिए उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। तो मेनली क्या है, सी परमाणु से बनी इसकी रीढ़ होती है
और उसमें जो है सो कुछ अति सामान्य तत्व जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी इस रीढ़ में पाया जाता है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च किया जाता है। मेनली हमें रिसर्च करना है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में। तो अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं? इन बहुलकों की रीढ़ में कार्बन अनुपस्थित है, यद्यपि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि तत्व सामान्यतः अन्य धातु या धातु परमाणु के साथ पाए जाते हैं। इसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि तत्व सामान्यतः अन्य धातु या धातु परमाणु के साथ पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु अंतस्थ टर्मिनल एल्किल एरिल आदि समूहों के रूप में पाए जाते हैं। ये टर्मिनल एल्किल एरिल आदि समूहों के रूप में पाए जाते हैं जो सामान्यतः मूल श्रृंखला या शाखित श्रृंखला से जुड़े होते हैं। रीढ़ अकार्बनिक प्रकृति के होने के कारण ये पदार्थ अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन बहुलकों के रीढ़ SiO2 परमाणु से तथा फॉस्फोजेनिक फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड बहुलकों के रीढ़ P=N=PNP तथा N परमाणु से निर्मित होती है। उक्त अकार्बनिक बहुलकों का मूलभूत ढांचा विषम अंगी है। सिलिकॉन तथा फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड बहुलकों का विस्तार से विवेचन आगे जैसे आने वाले टॉपिक में करेंगे। तो मेनली क्या है इसमें, कार्बन अनुपस्थित रहता है, यद्यपि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि तत्व सामान्यतः अन्य अधातु या धातु परमाणु के साथ पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु अंतस्थ टर्मिनल अल्किल एरिल आदि समूहों के रूप में पाए जाते हैं जो सामान्यतः मूल श्रृंखला या शाखित श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। रीढ़ अकार्बनिक प्रकृति के होने के कारण ये पदार्थ अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन बहुलकों के रीढ़ SiO2 सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से तथा फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड बहुलकों के रीढ़ P=N=PNPN परमाणुओं से निर्मित होती है। उक्त अकार्बनिक बहुलकों का मूलभूत ढांचा विषम अंगी है। सिलिकॉन तथा फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड बहुलकों का विस्तार से विवेचन आगे करेंगे। अब देखते हैं कि अकार्बनिक बहुलकों के सामान्य गुण क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। एक दो अपवादों जैसे गंधक को छोड़कर अकार्बनिक बहुलक ज्वलनशील नहीं होते हैं। अधिकांश अकार्बनिक बहुलक ध्रुवीय इकाइयों के पुनरावृत्ति से बनते हैं, अतः यह ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ऐसे अकार्बनिक बहुलक जिनमें क्रॉस लिंक पाए जाते हैं तथा जिनके घनत्व उच्च होते हैं अधिक कठोर व मजबूत होते हैं, ऐसे अकार्बनिक बहुलक जिनमें क्रॉस लिंक पाए जाते हैं तथा जिनके घनत्व उच्च होते हैं अधिक कठोर एवं मजबूत होते हैं। अकार्बनिक बहुलक विलायक अणुओं का अवशोषण नहीं करते हैं, जिसके कारण यह विलायक की उपस्थिति में विलायक का अवशोषण करके फूलते नहीं हैं। अकार्बनिक बहुलकों की तन्यता कार्बनिक बहुलकों की तुलना तन्यता से बहुत कम होती है। कार्बनिक बहुलकों की तुलना में मजबूत कठोर एवं भंगुर होते हैं। और सातवां प्रॉपर्टी का कार्बनिक बहुलक शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दो अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक बहुलकों की तुलना कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। पहला है कार्बनिक बहुलक के रीढ़ कार्बन परमाणु की बनी होती है और ये जो है सो अकार्बनिक परमाणु की बनी होती है। अकार्बनिक बहुलकों की रीढ़ अकार्बनिक परमाणु की बनी होती है। दूसरा, कार्बनिक बहुलकों में सम परमाणु बंधन होने से बंध की प्रकृति अधिकांशतः सहसंयोजक होती है। अकार्बनिक बहुलकों के अलग अलग परमाणु बनने के कारण इनमें बंधन अधिकांशतः ध्रुवीय तथा उपसहसंयोजी होते हैं। कार्बनिक बहुलकों का मुख्य ढांचा एक से परमाणु अर्थात सी परमाणु का बना होता है। अकार्बनिक बहुलकों का ढांचा एक से अधिक परमाणु के परमाणु से बना होता है। कार्बनिक बहुलकों में क्रॉस बंधन कम पाया जाता है। अकार्बनिक बहुलकों में क्रॉस बंधन बहुलता से पाए जाते हैं। कार्बनिक बहुलक समानता ज्वलनशील होते हैं। समानता ज्वलनशील होते हैं
सल्फर जैसे पौधों को छोड़कर कार्बनिक बहुलक अज्वलनशील होते हैं। तो ये जो है सो इसकी मुख्य मुख्य अंतर है दोनों में, तुलनात्मक कंपैरिजन जो है सो कंपैरिजन किया गया है कार्बनिक एवं अकार्बनिक बहुलक की तुलना। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि पॉलीमर क्या होती है। तो बहुलक वे पदार्थ कहे जा सकते हैं जिनकी संरचनाएँ संयोजकता बंधयुक्त सरलता संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनी मानी जाती है। और पॉलीमर बैकबोन के रीढ़ संरचना के रीढ़ के हिसाब से मुख्यतः निर्माण करने वाले मूल इकाई की प्रकृति के आधार पर निम्न श्रेणी में बांटा जाता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक बहुलक में जो है कार्बन जो है सो रीढ़ मुख्यतः सी परमाणु से बनी होती है, और अकार्बनिक में कार्बन के अलावे जो होता है उससे ये बनी होती है। इसमें कार्बन की रीढ़ में कार्बन अनुपस्थित होता है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन आदि तत्व समानता अन्य धातु धातु परमाणु के साथ पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु आमतौर से ट्रिबुलर अल्किल एरिल आदि समूह के रूप में पाए जाते हैं। और रीढ़ अकार्बनिक प्रकृति के होने का ये पदार्थ अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन बहुलकों के रीढ़ में SiO, 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 SiO तथा परमाणु विशेषता फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड में PN, PN, P तथा N परमाणु से निर्मित होती है। मूल ढांचा इसका विषमांगी होता है, उसका समांगी होता है। सिलिकॉन तथा फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड बहुलकों का विस्तार से विषय पर आगे विषय करते हैं और कुछ कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा जो है सो दोनों के तुलनात्मक अध्ययन जो है सो कार्बनिक एवं अकार्बनिक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा।